लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राम 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 राम। अरे अगर गिर जाते हैं तो हमारे प्यार से चारों के चारों दांत यहीं टूट जाते हैं। एक तो अंधेरा भी इतना है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ जगह ही है। एक महीना में ये हाल है तो इस साल कैसे गुजारेंगे। बच गई घंटी। अरे राम 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 राम। अरे राम 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 राम। कौन है? Ram 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 ram
कौन है? आज तो यहाँ से आ रही थी वो भी कौन लेडीज की God, this is stunning. Karan! Karan! क्या हुआ बेबी? This is not fair. और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे? ये कि हम पेरिस जा रहे हैं हमारी सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. और एक चीज छुपाई है तुमने? What? तुम मुझे पेरिस में प्रपोज करने वाले हो? Yeah. I don't want to go to Paris. So if you want me to say yes, then I want to go here. क्या करोगी वहां जाके? एक घंटे में बोर हो जाओगी. I don't care. Please no. Don't make bahana. Paris फिर कभी चले जाएंगे. It's so cliche. Instead, we can drive there. Just you and I. It'll be so romantic. Ahana, मैं सारी bookings कर चुका हूँ. Please. तो cancel कर दो. अगर Ahana हमारा summer house देखना चाहती है, तो तुम्हें इसे वहीं ले जाना चाहिए. लेकिन दादी. ये जल्द हमारे अजमेरा परिवार का हिस्सा बनने वाली है. तुम्हें इसकी मर्जी और खुशी का ख्याल रखना चाहिए. वरना उंगली हमारी परवरिश पर उठेगी. हमें नाराज नहीं करोगे ना? समर हाउस जाओ. यू आर द बेस्ट दादी माँ. आठ साल पहले वहां जो भी हुआ उसके बाद कोई नहीं गया हमें सवा. आपको नहीं मानना चाहिए था. नई शुरुआत के लिए जरूरी है कि बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़े बेटा. ये तुम्हारा मौका है उस घर से नया रिश्ता जोड़ने का, Ahana के साथ नई यादें बनाने का. कुछ है कहना दिल से अब ना दूर रहना. दिल की बस यही गुजारिश है. धड़े करो कि सुन ली बातें जो लबों से कह ना पाते. दिल की बस यही गुजारिश है. जब से मेरा दिल टेढ़ा हुआ पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ. अब तेरी बाहों में जीना मुझे वरना है मर जाना. जब से मेरा दिल टेढ़ा हुआ पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ. अब तेरी बाहों में जीना मुझे वरना है मर जाना. हाँ
जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ, अब तेरी बाहों में जीना मुझे वरना है मर जाना। जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ, अब तेरी बाहों में जीना मुझे वरना What happened? What's over कुछ there? नहीं. चलो, come. What's this लाल धागा? ये मौली है, पूजा का धागा. रक्षा के लिए बांधते हैं इसे. पर ये यहाँ किसने बांधा? So silly. Just cut it. नहीं नहीं आना wait. गोटी. गोटी ये गोटी कौन है? वो यहाँ का नया कैरटेकर है, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ. गोटी गोटी ओह वाह, धागे से बांधने की जगह लॉक लगा देता तो शायद ज्यादा सेफ रहता. इडियट.
जी। करण, 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 look up, करण, करण, hey, आहना, इस कमरे में क्या है? Why is it locked? अजमेरा खानदान का कोई खजाना छुपा है या कोई बहुत गहरा राज? बहुत बड़ा राज। लेकिन मैडम, तुम इसकी टेंशन मत लो, गोटी की टेंशन लो। अगर वो नहीं मिला ना, तो तुम्हारा ये रोमांटिक गेटअवे नाइटमेयर में बदल जाएगा। ओ, क्या हुआ? Are you okay? I think it's migraine. Oh, stop it! What is this? Madam, I'm Flap. I, the Bolter. Bolter? You mean butler. Oh my God, he's so funny. तुम गोटी हो? सर जी महाराज. ये कैसा नाम होता है, गोटी? सर जी महाराज, my name. गोदन ओ प्रकाश त्रिम्बकनाथ इतिहासी वाले। क्या? वो तो शुक्र कीजिए हमने इसमें अपना कुल नाम नहीं जोड़ा, शर्मा, वरना हम गोटिस हो जाते, जबकि हम तो सिंगल हैं, इसलिए सिर्फ गोटी। ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? अब आपको क्या बताएं सर जी महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, वो गाँव में जब हमका टेलीफोन आया ना कि लंदन में हमारा नौकरी पक्की हो गई, तब हम हिंदी, इंग्लिश, बाटमान से लेकर करण जौहर सभी के फिल्में देख लिए, और सारी फिल्म जो नौकर होए ना वो बल्टर होए, हाँ, और वो ई यूनिफॉर्म पहना है। फिर क्या, मरता क्या रख करता, हम अपनी भैंसिया पनपतिया को गिरवी रख कर ई यूनिफॉर्म सिलवा लिए और पहनकर यहाँ चले आए, पर यहाँ आने के बाद। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता था हम यहाँ आने वाले हैं? पता था सर जी महाराज, पर ये पता नहीं था कि आप ये मौली तोड़कर अंदर आओगे। आपको ये मौली तोड़नी नहीं चाहिए थी। अच्छा, और आपको लॉक करना चाहिए था। लॉक तो हमने खुद किया था बाहर से, फिर वो हाउ ओपन। सर जी महाराज, हम समझ गया हूं, ये सब उसी ने किया है। उसने? किसने? वही मैडम हम साहब जो यहां रहती है। घर में कौन रहती है? तुम्हें तो पता है ना, ये घर इतने टाइम से बंद पड़ा है। नहीं सर जी महाराज, नहीं, यहाँ कोनो पीपल्स नहीं रही, यहाँ तो वो रहती है, भूत। व्हाट? भूत? हाँ मैडम हम साहब, यहां भूत रहती है, लेडीज भूत। रोज रात को वो यहां वॉकिंग करती है, सिंगिंग भी करती है, वो भी 3 बजे। भूत भूत कुछ नहीं होते। अरे, आपको ऐसे उन लोगों पर
जॉक्स नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग नाराज हो गए तो तुम मुझ पे अटैक करेंगे? So, Madam Bhoot, come out, wherever you are. जल्दी से आके मुझसे मिलो। डरपोक को डरा के क्या मिलेगा? हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाओ। Come on, मुझे डरा के दिखाओ। ये सारे बैग्स ऊपर लेके आ जाओ। ओके। हेलो। हाय डॉक, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करना भूल गया। अपॉइंटमेंट तो खैर दोबारा मिल जाएगी, लेकिन मैंने तुम्हारा इस बार का बहाना सुनने के लिए फोन किया। तीसरा कैंसिलेशन इन अ रो, व्हिच मींस यू फीलिंग बेटर, aren't you? आई एम फीलिंग मच बेटर शिवानी। इनफैक्ट मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आहना के साथ बाहर आया हूँ। रियली, दैट्स वंडरफुल करण। यू नो, आई थिंक सिर्फ डॉक्टर्स ही एक ऐसी ब्रीड होती हैं जो अपने पेशेंट से कहते हैं होप नॉट टू सी यू अगेन। आई गेस सो। चलो, यू हैव अ गुड टाइम। ओके, बाय द वे, तुम हो कहाँ? डॉक, मैं समर हाउस आया हूँ। वेट, तुम्हारे समर हाउस? करण, तुम दवाई लेकर गए हो ना? हाँ डॉक, लेकर आया हूँ। नहीं, तुम दवाई ले रहे हो ना? वो मैं करण, इतने सालों से तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ, झूठ बोलते हो तो पता चल जाता है। डॉक, मेरी वो जो फीलिंग है ना, जैसे हमेशा कोई मेरे आसपास है, जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, वो फीलिंग जा चुकी है। इट्स गॉन नाउ। दैट्स गुड। लेकिन करण प्लीज, तुम अपनी पिल्स टाइम पे लेते रहना, स्पेशली नाउ। वहाँ उस घर में यू कांट टेक अ चांस। यू आर राइट डॉक, आई एम सॉरी, मैं अपनी दवाई ले लूँगा। गुड, हैव फन एंड लिसन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम कॉल मी। ओके डॉक, ठीक है, बाय बाय। हे भगवान, उनको ही मौली तोड़ना नहीं चाहिए था, ये तो अपशगुन हो गया। हमका फीलिंग है कि बहुत बुरा होने वाला है, प्लीज हम सबकी रक्षा करना। जय बजरंगबली। Strange. Goti. Goti. Sir Ji Maharaj. Breakfast mein kya hai?
अंडा भुर्जी, पनीर भुर्जी, पनीर पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, इडली वड़ा सांबर, मेदू वड़ा सांबर, सादा डोसा, मसाला डोसा, शेजवान डोसा, लिट्टी चोखा, आलू पूरी, दूध छाछ दही, कारमल कस्टर्ड। ई मासा कुछ भी नहीं है। पर सर जी आप का खाई हमका बताए, हम बाजार जाके लाता हूँ। कितना टाइम लगेगा? अरे वो है ना हमारे पास दुई चक्रे टिनटिन। क्या? अरे वो का कहते हैं आप लोग, चायकल। हाँ वही घेर वाली। हम यू गई और यू आई बस 3-4 घंटा में। ओके अच्छा रुको, आई विल कम विद यू। अरे वाह गुटी वाह, लगता है चतुर चक्री बॉप बॉप में बैठने का टाइम आ गया। बॉप 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 बॉप। मुंह खोल कर बोलो। हम यह कह रहे थे कि इतने ढोंड तो यहाँ पहले कभी देखे नहीं सर जी महाराज। हमारी दादी माँ है ना, वो हमेशा यही कहती थी कि बुरा साया रोशनी रोकती है। गाड़ी रोकूं? उतारूं यहाँ पे? मरा 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 क्या बोल रहे हैं? मुंह बंद रखो अपना। पूत बंद कर लेंगे लेकिन दांत बाहर रह जाएगा, चलेगा आपको? सर जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? सर जी महाराज उधर कोई था? कहाँ? दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, ये जरूर वो लेडीज भूत कर रही है। तुम जाके देखो। जाते जा रहे हैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर चले कभी सृष्टि हुई हो कहूँ जाकर भूत मिजाज निकट नहीं आवे महावीर तुम नाम सुनावे राम। नहीं है नथिंग। कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा? पर बतिया कसम। हटो। कहां जा रहे हो? मैडम जी, सजी महाराज। दिस इज सो गुड। ये है क्या? मैडम मैम साहब, दिस इज स्पाइस्ड एडिबल ट्यूबर इन फ्रेश योगर्ट सॉस। व्हाट? सजी महाराज, दही वाले आलू हैं। दरअसल हमारी अम्मा ने हमको बनाना सिखाया था सरजी महाराज। बहुत अच्छा है जो भी है। वो आपको अच्छा लगा? दरअसल हमारी दादी माँ को भी ये बहुत पसंद था। इनफैक्ट दादी द 13th पर हम पूरे गांव वालों को बनाकर खिलाए थे। दादी द 13th? उनकी 13वीं पर। ऐसा कहते हैं कि व्हेन पर्सन डेथ उनकी जो आत्मा होती है वो 13 दिन तक राउंड राउंड रोमिंग रोमिंग रोमिंग। गोटी, तुम वाइन लाने वाले थे ना? गोटी, भूत भूत छोड़ो, करण से डरा करो। लाता हूं।
सरजी महाराज, मैडम। मुझे ये आवाज से सख्त नफरत है, ये घड़ी को जाके बंद करो। I hate noise. दादाजी का सरजी महाराज। What? It is grandfather's clock. आप वो काम बंद कैसे करें? सरजी महाराज, कहे तो हम लोलक से लटक जाए। For God's sake, किसी भी तरह बंद करो इसे। Okay. क्या हुआ? फिर माइग्रेन? आहाना गोटी, आहाना, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है रात को बाल नहीं बनाते? ये भटकते हुए रूहों को बुलाने का जरिया है। What is wrong with you? Are you serious? भूत, तुम कब से मानने लगे इन सब में? आज कोम मत करो, कल कहोगे बिल्ली रास्ता काट गई, फिर कहोगे अमावस की रात है। My God, Karan. Yeah, you're right. I'm sorry. You're mad. मुझे समझ नहीं आता how I love you so much. मैं भी पागल ही हूँ. Okay then, Mr. Ajmera, I won't brush my hair.
सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे अधूरे तुमसे पूरे हो गए। अरे वाह, क्या धुन है भाई, ये धुन कहाँ सुना था ये? अरे राम 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 राम, अरे कहाँ नट करते यार, और ये तो लेडीज भूतिया का धुन है। हम कसम खाते प्रभु, आज के बाद ये धुन हम कभी नहीं गुनगुनाएंगे, पर्वतिया कसम, नहीं नहीं। अरे कहाँ करता है, और भी तो धुने मार्केट में। लगा बेलू लिपिस्टी हिलेला सारा डीसी जिला टॉप लागू। अरे राम 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 राम, अरे ऐसा भी कोनो डराता है क्या मैडम मैम साहब? आना, चलो लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। ओके बेबी आई एम कमिंग। हम हॉस्टल जा रहे हैं, खाना बना के रखना। जी ओके। पर कहाँ रखना ये तो बताया नहीं मैडम, और रख देंगे यहीं कहीं, हमरा का है। लगा वेलू लिपस्टिक। सो तुम ऑलमोस्ट 15 इयर्स से अपना हर समर वेकेशन यहाँ बिताते थे? या, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। कम सो व्हाट वी हैव डन इज ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर द एक्सक्यूज स्मिथ। एक्सक्यूज मी। ओके श्योर। पहचाना? माय गुडनेस, करण अजमेरा, कैसे हो तुम? कितने साल बाद आया है। लुक एट यू, यू हैव ग्रोन इनटू अ हैंडसम यंग मैन। मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ, लेकिन आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। दिस इज आना। हाय आना। मिस स्मिथ, यहाँ की मैट्रन, बहुत डांट खाई है मैंने इनसे, लेकिन चॉकलेट्स उससे भी ज्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको दोबारा खुश देखकर। एक मिनट, ये वही मिल्कशेक है ना? Yes, बिल्कुल सेम, तुम्हारा फेवरेट, डबल चॉकलेट। जाओ लिटिल बॉय, अपना मिल्कशेक ले आओ, हम एडल्ट्स चाय पियेंगे। I like her, come। Oh, so cute। हर फोटो में कैसे सेंटर ऑफ अटेंशन है। करण इस हॉस्टल से बहुत जुड़ा हुआ था। लास्ट आई रिमेम्बर, यहाँ भागते दौड़ते शैतानी करते हुए, वेरी नॉटी। आज मैं बहुत खुश हूं उसे देखकर। थैंक्स आहाना, वो यहां अपने आप कभी नहीं आता। नो नो नो, करण इज वेरी हैप्पी टू बी हियर। और बताइए ना, क्या क्या करता था वो? उसने बताया नहीं, बहुत फोटोज हैं। वेट आई विल शो यू। This is so cute. और ये कौन है? ये दोनों जुड़े हुए थे, attached, best friends, करण and this is समीर। In fact ये दो नहीं थे, ये actually trio थे। Trio? Trio। इनके साथ एक लड़की भी थी, उसका नाम था। Miss Smith, क्या आप ये पुरानी बातों को निकाल के बैठी हैं? आना की तो आदत है मेरे embarrassing photos देखने की। Wait now, she's trying to tell me something। नहीं नहीं please, आप मेरी secrets मत बताइए इसको। करण। अच्छा तुम ये लो, milkshake पियो। No, I had chai। अच्छा try तो करो। Yummy, बस, thank you। Church bells कुछ ज़्यादा loud नहीं हो गए? नहीं, यहाँ कुछ नहीं बदला। Everything is exactly the same। I think it's my migraine। आना, अंधेरा होने लगा है, चलो लेट्स गो। श्योर, थैंक यू मिस स्मिथ, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू। सेम हियर। करण के सीक्रेट्स के लिए
मैं फिर कभी आऊंगी. डेफिनेटली. टेक केयर डार्लिंग. Is it you? नहीं, तुम नहीं हो सकती. आना. I'm sorry, आना. एक वीकेंड है. सॉरी बोल के वेस्ट करोगे? But
क्या हुआ? Are you all right? हाँ। Don't worry. बुरा सपना होगा। It's fine. Lay down. शिवानी, मुझे बड़े अजीब से सपने आ रहे हैं, डरावने से, लाइक नाइटमेयर्स। पर इस बार तो बहुत ही अजीब है, सपने सारे सच लग रहे हैं। काम डाउन, ओके? जस्ट काम डाउन। सपना है, चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, आंख खुलने पर सब खत्म हो जाता है। I know it's not easy, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना होगा। कब तक भागोगे अपने अतीत से? हिम्मत रखो, यू हैव टू बी स्ट्रांग। दवाई ले रहे हो ना? हाँ, एक भी डोज मिस नहीं किया। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई मेरे आसपास है, कोई मुझ पर नजर रख रहा है। और अब ये सपने, शिवानी मैं पागल हो जाऊंगा। करण, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? कुछ नहीं होगा। एक काम करो, रात को सोने से पहले एक की जगह दो टैबलेट्स लो। And just relax, all right? तुमने इतने टाइम के बाद अपने काम से ब्रेक लिया, you just need to have fun. वो घर पुरानी यादें ताजा करेगा, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को खुद काबू में रखना होगा। जो अच्छा है उसे याद करो, और जो बुरा उसे भूल जाओ, जाने दो। ठीक है। एंड लिसन, अगर दवाई से फर्क ना पड़े तो जस्ट कॉल मी। ओके, थैंक यू। गुड। आना, व्हाट इज दिस? कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। ब्लाइंडफोल्ड खोलो प्लीज। हाँ बाबा, बस पहुंच गए। जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप्स। 1, 2, 3। वाला। ये सब तो मुझे करना चाहिए। करण, फ्रॉम नाउ ऑन तुम और मैं से अलग की दुनिया हम में रहना चाहती हूँ, हमेशा। मी टू, हमेशा। शैंपेन? Cheers to us. Cheers to us. एक बात पूछूं? Whatever you want. Who's Maya? तुम कैसे जानती हो उसे? नहीं जानती, इसलिए तो जानना चाहती हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड? माया सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। सिर्फ दोस्त? देन व्हाई आर यू ड्रीमिंग अबाउट हर? नींद तो सिर्फ वही उड़ाते हैं ना जो दिल में होते हैं, नो? नहीं आना, माया और कुछ दोस्त हॉस्टल में रहते थे, हम सब काफी टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। आई गेस कल हम हॉस्टल गए थे ना, तो पुरानी बातें याद आ गई होंगी। फिर तो बहुत अच्छी फ्रेंड रही होगी। आई नो, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता हूँ, पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता। आई लव यू। आई लव यू टू। नॉट सो इजीली। आना, कहाँ जा रही हो? वहां मत जाओ। जाऊंगी, स्टॉप मी इफ यू कैन। आना, इट्स नॉट फनी, वापस आ जाओ। नहीं आऊंगी। आना, वापस आ जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, बाहर आओ।
मैं बोल रही हूँ ना, आके ले जाओ। आना प्लीज, बहुत हो गया, बाहर आ जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, आके ले जाओ। आना वन लास्ट टाइम, वरना मैं चला जाऊंगा, बाहर आ जाओ। आना फाइन, आई एम लीविंग। What's wrong with him? Who's there?
आना। तो ये है माया, सिर्फ एक अच्छी दोस्त। दिस इज योर सीक्रेट, इसीलिए मुझे यहां नहीं लाना चाहते थे। हो नाउ आई अंडरस्टैंड, वो फोन कॉल्स किसके आते थे? यहां मिलते हो माया से? Answer me, Karan. किसे चीट कर रहे हो, मुझे, इसे या अपने आप को? I trusted you. I would have never thought you would have hurt me like this. What a pleasant surprise. तुम अब तक यहीं हो? Don't waste your time, Karan. जाओ, उसी के पास जाओ. I can't. क्यों? उसने भी छोड़ दिया क्या? Oh, मुझे भी good friend बोला होगा. पता चल गया क्या उसे सच? So sad. You cheat, you liar, you jerk! बस, सच सुनना चाहती हो ना तुम?
सच जानना है ना तुम्हें, तो सुनो। मैं बताता हूं तुम्हें माया की कहानी। Come in. Hi, ma'am. Oh, Maya. Yes? Ma'am, actually, Sameera और करण के साथ बाहर जाना था, तो परमिशन लेने आई थी. That's okay. But why are you looking like a clown? नहीं नहीं ma'am, आप क्या कर रहे हो? रात को बाल नहीं बनाते, भूत आ जाते हैं. What? Spirits आ जाते हैं? Oh my goodness. Darling, is that why तुमने ये shower cap पहना हुआ है? Yes, ma'am. एक्चुअली वो शाम को ही प्लान बन गया था, तो शाम को ही बाल बना लिए ताकि रात को ब्रश ही ना करना पड़े। ये देखिए। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू। लेकिन ये सब सुपरस्टिशन है। एंड यू आर मच स्मार्टर देन दैट। नो मैम, ये सब सच है। अब तुम पार्टी में जाओगी कि यहाँ मेरे साथ खड़े होकर आर्ग्यू करोगी? मैम प्लीज मत। नाउ गो। समीर, करण, तुम भी। अब तो तेरे बाल गीले हो गए और रात को तू कोम भी नहीं करती, अब क्या करें? जो सो मीन, अभी अभी मेट्रो ने मेरे बालों की बात का मजाक उड़ाया और अब तुम भी। बुढ़िया ने तेरा मजाक उड़ा उसकी तो मैं। वो सब तुम छोड़ो। आई लुक लाइक अ फूल, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। अच्छा सॉरी, चलाओ मैं पूछ देता हूँ। तुम तो बिल्कुल ही मत करो। तुम भी हंस रहे थे ना मेरे ऊपर, गेट लॉस्ट, अब मुझे कहीं नहीं जाना। अरे माया, माया come on यार, it was just a joke। अरे तू इतना भाव मत खा यार, चल यार अभी। Get lost। अच्छा ठीक है रुक, ये देख के तो जा। मुझे तुम दोनों से तुम दोनों ना बिल्कुल ही पागल हो। Who's there? Who's there? Huh?
घुसड़ बुढ़िया कितनी डर गई। और तेरा लास्ट वाला कमाल था यार, तूने मास्क पहनकर तो उसकी जान ही ले ली, मजा आ गया यार। अरे अब तो मास्क उतार दे, हमें भी डराएगी क्या? तू ना बिल्कुल पागल है, किसी दिन खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा, पकड़े गए तो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए ज्यादा हीरो मत बन, हॉस्टल में ही रहना तुझे। सिर्फ एक और दिन के लिए। एक और दिन क्यों? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रहा मेरा इंटर्नशिप लेटर टू जर्मनी, आई एम लीविंग। जर्मनी? वाओ, तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अब तू सेंटी मत बन यार। दिस इज डैम कूल ब्रो। वेल व्हाई आर वी वेटिंग, चलो कुछ गंद मचाते, लेट्स गो पार्टी। जो तू चाहे, अगले 24 घंटे के लिए यू आर द बॉस, तू जो कहेगा हम वही करेंगे। रियली? यस एब्सोल्युटली। तो अगले 24 घंटों के लिए आई एम करण अजमेरा। यानी कि जो कुछ करण अजमेरा का वो सब कुछ मेरा। डन। अगले 24 घंटे के लिए वी आर योर जिनी। जो हुकुम मेरे आका। अरे ये हुई ना बात, लेट्स गो पार्टी। खत्म हो गई है और लेके आई। वेल सॉरी, अभी लेके आता हूं। ये हुई ना बात, दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड लेडीज एंड जेंटलमैन। और डार्लिंग, आप मेरे लिए क्या करेंगे? बताइए क्या करें? किस मी बेबी। सर छोड़ो, कहा जा रही है? बताओ पहले क्या कर रहे हो सर। अरे अच्छा लगेगा, छोड़ो मुझे। तुम
बिल्कुल ठीक कह रही हो। प्रॉब्लम क्या है? अरे एक रात की तो बात है, सुबह सब कुछ भूल जाना। वैसे तुमने ही कहा था ना, मुझे जो कुछ भी चाहिए सब कुछ तुम मुझे दोगी। समीर छोड़ो मुझे, समीर। करण, करण। समीर क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? Are you okay? अरे तूने ही तो कहा था अगले 24 घंटों के लिए जो कुछ तेरा वो सब कुछ मेरा। तुझे तो हाथ लगा रहे देती है, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? भेज इधर। समीर तूने बहुत ज्यादा पी है, तू निकल जा अभी यहां से। करण 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 मेरे दोस्त, तू एक काम कर, तू यहां से निकल ले, मैं इसे संभाल लूंगा। माया कम समीर। एक बार और इसे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो देख, दोस्त नहीं भाई समझा था तुझे मैंने। भाई कब से हो गया यार तू ऐसा समीर? तू माया के साथ शर्म नहीं आई तुझे? तेरे से घटिया आदमी के साथ हमने। समीर जस्ट गेट आउट, तू निकल जा यहां से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। दिन और आज का दिन मैंने समीर को फिर कभी नहीं देखा। तो उसके जाने के बाद सिर्फ तुम और माया रह गए, फिर what happened next? समीर के जाने के बाद हम सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे, बहुत करीब आ गए थे हम, और तब हमें एहसास हुआ कि we were in love. What? क्या बोल रहे हो, कहाँ हो तुम? ऑफिस बंक करके 3 घंटे ड्राइव करके तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आया हूँ। एंड देयर इज नो वन होम, जल्दी आ जाओ। करण मम्मी ने घर पे डिनर रखा हुआ है, सब फैमिली वाले आए हुए हैं, पहले बोलना चाहिए था ना। करण नहीं मैं नहीं आ सकती। आओगी तो जरूर, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। एंड लिसन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। करण सब ये मेरे लिए। मैं आज से अभी से
अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं अपनी खुशी और तुम्हारे गम को अपना बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपने आज और कल में शामिल करोगी? Will you marry me? सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन proposed to her? Shaadi ke liye? Then why the hell are you with me? Tum uske saath kyun nahi ho? Kyunki usne mera saath chhod diya. Why? She said no? Or you broke up with her? Haath pakad paate usse pehle hi kismat ne hum dono ko alag kar diya. Maya ko hamesha ke liye mujhse cheen liya. उसी रात
इसी घर में बाहर वो सीढ़ियों से गिरी और उसने इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ दिया। She just died. इसलिए उस दिन से लेकर आज तक दोबारा मैंने इस घर में कभी कदम नहीं रखा और वो रूम मैं किसी और से नहीं अपने आप से छुपाता हूं। I'm sorry, Anna. I should have told you all this. पर ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो मैं भुलाना चाहता हूं। यह है माया की और मेरी कहानी। एंड बाय द वे, वो जो कॉल्स की तुम बात कर रही थी वो शिवानी के आते हैं, डॉक्टर शिवानी रॉय, मेरी साइकाइट्रिस्ट। Is he okay, doctor? Nothing to worry about. It seems like a bad fall. Could I take him to London tomorrow? No, I wouldn't suggest that at all. He's not fit for travel. I'll come back for a checkup in 2 days. 2 days? Yes. Okay. Thanks, doctor. Yeah. I'll see you out. मैडम इन साहब, सर जी महाराज से मिलने के लिए कोनो मैडम आई है। माया की मौत का करण पर बहुत गहरा असर हुआ था। उसे ना बचा पाने की गिल्ट में ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर इट। डिप्रेशन की वजह से पैरानोया और उसकी वजह से बहुत बुरे सपने आते थे। एक कांस्टेंट फीलिंग की कोई उसकी हर चीज पर नजर रख रहा, जैसे कोई हमेशा उसके आसपास है। लेकिन रेगुलर सेशंस और दवाइयों से ही हैड रियली इम्प्रूव्ड, बट देन आई ब्रॉट हिम बैक हियर और उसकी सारी प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो गए, राइट? शिवानी, इफ आई टेल यू कि करण की फीलिंग पैरानोया नहीं, सच है, तो क्या मतलब? मैंने भी माया की आत्मा को देखा है। What? I saw her too. करण को उसी ने गिराया है। आप मुझे पागल समझेंगी ना? You know, Anna, medical science ऐसी बातों को नहीं मानता, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। If there is God, there is evil. अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी। आई नो एक डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनना बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच हमेशा वो नहीं होता जो सिर्फ दिखाई दे। बीमारी क्या होती है? दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो होती है ना। मैं मेडिकल साइंस में जितना यकीन करती हूँ उतना ही सुपरनैचुरल को भी मानती हूँ। सो यू बिलीव मी? आई बिलीव इन गॉड, सो आई बिलीव इन घोस्ट्स। यू? I don't believe in God, so I don't believe in ghosts. Isn't it ironic? भगवान तो सामने आए नहीं, लेकिन ghost को देख लिया। I don't know what to do, Shivani. जो आत्मा बदला चाहती हो या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी करने आई हो वो बहुत डेंजरस होती है। इतने सालों से माया करण को नुकसान नहीं पहुंचा पाई बिकॉज ही वॉज मेंटली स्ट्रांग, लेकिन इस घर में जहां उसकी मौत हुई है उसकी आत्मा बहुत पावरफुल है।
बहुत खतरनाक। और अगर सच में माया वापस आई है तो वो करण को अपने साथ ले जाने के लिए आई है, जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। शी कैन बी वेरी डेंजरस। आई विल नॉट लेट हर हर्ट हिम। मैं करण को कुछ नहीं होने दूंगी। सुना तुमने माया, करण मेरा है। आई विल नॉट लेट यू टेक हिम। तुम्हें करण कभी नहीं मिलेगा। I will not let you win. 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 मैं माया की छोटी बहन हूं, रूही। तुम इस घर में घुसी कैसे? मैं अकेली नहीं थी, मुझे मदद मिली। गोटी, हम इनका मदद क्या हूं? कहे कि हम इनको इंसाफ दिलाना चाहते थे। मैं इस घर पर बहुत सालों से नजर रख रही थी, लेकिन करण कभी नहीं आया। फिर ये आए एक नए केयरटेकर बनकर। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उनसे हेल्प मांगी। गोटी ने मेरा दर्द समझा और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। और तब से ही हम दोनों साथ मिलकर तुम्हें डराते रहे। डॉल जो तुम्हें अपने कमरे में मिली वो मैंने रखी थी। मैं चाहती थी कि तुम उस तक पहुंचो। मुझे मालूम था करण ने वो डॉल माया को दी थी। How dare you? तुम करण को मेंटली टॉर्चर करती रही? क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन के खून का बदला लेना चाहती हूं। माया की मौत कोई मर्डर नहीं, एक एक्सीडेंट था। करण ने नहीं मारा उसे। He did not kill her, damn it! बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया उसने। माया के मर्डर में सारे सबूत करण के खिलाफ होते हुए भी अजमेरा खानदान ने उसे बचा लिया। पैसे और शोहरत का लोग अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सच जानती हूं और मैं सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। मुझे आज भी याद है वो रात। तू का भाई
बस जब तुम हम सबको बेवकूफ बना के भागने का प्लान बना रही थी तब तू मेरी स्वीट सिस्टर है ना, किसी को कुछ बताएगी तो नहीं? टेल मी द प्लान फर्स्ट और फिर डिसाइड करूंगी। रूही, एक्चुअली करण मुझे लंदन से सरप्राइज देने के लिए आया है एंड उसके घर पे कोई नहीं है। अकेले सरप्राइज बर्थडे स्पेशल? तो आप क्या यहीं पे टाइम वेस्ट करोगी या जाओगी? एंड एक्चुअली गो फास्ट, मैं यहाँ पे बहाना बना लूंगी। ओके, यू आर द बेस्ट। करण, क्या हुआ? आई थिंक बाहर कोई है, हमें कोई देख रहा था यहाँ इस वक्त। सिर्फ तुमसे ही नहीं, उसने सबसे झूठ कहा। He lied to everyone. उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि जब वो बेहोश पड़ा था, किसी तीसरे इंसान ने माया का खून कर दिया। पर सच तो ये है कि पुलिस को किसी तीसरे इंसान के होने का सबूत ही नहीं मिला। There was no third person. और कोई तीसरा इंसान माया का खून क्यों करेगा? माया ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। So you tell me, अगर करण ने माया का खून नहीं किया तो किसने किया होगा? आई नो, समीर। समीर? हाँ, समीर मिसबिहेव्ड विद माया। उस दिन के बाद समीर ने कभी किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आई एम श्योर माया का खून समीर ने ही किया होगा। वो तीसरा इंसान जिसे माया ने देखा वो समीर ही हो सकता है। That's not possible. ये खून समीर ने नहीं किया। I'm telling you, शिवानी, समीर was very angry. ये समीर ने बदला लेने के लिए किया होगा। It has to be him. नहीं आना, it can't be समीर। Why are you defending him? समीर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समीर उस रात से पहले ही मर चुका था। जिस रात समीर ने माया के साथ बदतमीजी की, मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैंने इसे मार डाला करण।
कुछ नहीं हुआ। समीर की कोई फैमिली या रिलेटिव्स नहीं है, वो अनाथ था और सबको पता था कि वो कल जर्मनी जाने वाला है। हम उसकी बॉडी यहीं दफना देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसे हमने यहां दफना दिया। यह है करण अजमेरा की पूरी कहानी। रूही, मैंने माया को नहीं मारा, बहुत प्यार करता था मैं उससे। मैंने उससे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे बचा नहीं पाया। अगर फिर भी तुमको लगता कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, then I'm sorry. अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। हम कल सुबह होते ही वापस चलेंगे। करण, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। जो था वो पास्ट था, वो खत्म हो गया, पर जो है प्रेजेंट और जो होने वाला है फ्यूचर, वो भी खत्म करना चाहते हो? मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ तुम थी आहाना। मैंने तुमसे झूठ कहा, कितना कुछ छुपाया, उसके बाद मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि हम सब आज, after knowing whole truth, मेरा यकीन तुम में और भी मजबूत हुआ है कि मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। मेरा आंसर पहले भी हां था, आज भी हां है, पर क्या तुम मुझसे वो क्वेश्चन करोगे जो मैं सुनना चाहती हूं? Will you marry me? हमें यहां से निकल जाना चाहिए, यह किसी इंसान का काम नहीं था। सो यू मीन दिस हाउस इज एक्चुअली हॉन्टेड, लाइक अ रियल गोस्ट? मैं देख कर आता हूं। नो करण, प्लीज लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। बहुत सालों से अपने डर से भागता आया, आज फॉर वंस
अपने डर की आंखों में आंखें डाल के उसका सामना करना चाहता हूं। आई हैव टू डू दिस। रूही, आहाना, तुम रूही के पास रुको, मैं इसके लिए पानी लेके आती हूँ। पशुवानी, तुम वरी, ये ब्लेस्ड है, इसके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, टेक केयर। करण, नहीं, मत जाओ प्लीज, आहाना मत जाओ प्लीज, डोंट गो प्लीज, प्लीज, करण, आई एम प्लीज, करण जाएगा। चलो अभी, जस्ट कम विद मी। नो करण, करण, आना। करण, वेयर वर यू? आई वाज सो स्कैर्ड एंड रोहित मी। ये कमरा मंत्रों से बंधा हुआ है, वो यहाँ नहीं आ सकता। ये सेविया। What's happening, शिवानी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समीर वापस कैसे आ सकता है? समीर वापस नहीं आया आना, वो कभी गया ही नहीं। 8 सालों से समीर की आत्मा करण के अंदर है, और आज अमावस की रात इस जगह पर वापस आकर ही हैज बिकम मोर पावरफुल, इसीलिए वो करण पर पूरी तरह से हावी है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा शिवानी, लेकिन बड़ी देर से मैं करण के शरीर में आया ही अय्याशी के लिए था, लेकिन करण इसे प्यार बड़ा जल्दी हो जाता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। 1 साल 2 साल ठीक है, पर शादी पूरी जिंदगी एक लड़की के साथ बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने माया को मारा। करण, पहचाना? I'm back. बेचारी
बहुत रोई, कितना गिड़गिड़ाई। समीर ने माया का खून किया। लिसन, हमें यहाँ इस घर से दूर जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ओके, I won't leave Karan like this. वो करण नहीं, वो समीर है आहना। नहीं, समीर ने पुजेस किया है, लेकिन वो मेरा करण है। I love him. मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। Please help me, Shivani. Oh my God. It's the body. क्या? Body? समीर की लाश आना। आत्मा सीधे शरीर को पोसेस नहीं कर सकती, वो किसी चीज के जरिए शरीर से जुड़ती है। हाँ, हमें समीर की लाश को जलाना होगा। But... Can you hear him? नहीं। यही हमारा मौका है, हमें अपना काम जल्दी करना होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, यहाँ जलाने के लिए कोई ना कोई सामान जरूर होगा। कम विद मी, कम। आना, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये समीर मुझे जीने नहीं देगा। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। वो करण को टॉर्चर कर रहा है। नहीं 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 आना, प्लीज डोंट लिसन टू हिम। उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। प्लीज आना, ये सर्दी की वजह से मैं मर जाऊंगा। प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज। चलो, we have to move from this place. चलो। इस पर भरोसा रखना, ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा समीर तुम्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगा। प्रेयर्स तभी काम करते हैं जब फेथ हो, बिलीव, और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ओके, लेट्स गो। भीगे भीगे से लम्हे, भीगे भीगे से हम है, भीगे भीगे पर खोले खोले से। कब से इंतजार कर रहा हूं, कितनी देर कर दी आने में। आओ पास आओ, तेज जाओ, फास्ट। बॉडी नहीं जलानी है क्या? नहीं नहीं करण, कोई दूसरा नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग में है। डोज डबल कर दो, बी स्ट्रॉन्ग। साला करण, उसकी ताकत मैं हूं। आना से पूछ लो, शेर बुलाती है मुझे बिस्तर में। क्यों आना, कितने लव पॉइंट्स दिए मैंने। गिन रहे थे ना हम उस दिन शावर में। मेरा फेवरेट दिल डॉक्टर को दिखाओ। आओ आओ पास आओ, आग लगाओ, कबर भी खोल के रखी है मैंने तुम्हारे लिए। आओ आओ, प्लीज डोंट लिसन टू हिम। आहना, आह!
शरीर से नहीं जुड़ी है, कुछ और है जो समीर को करण से जोड़ता है। उसे ढूंढो, उसे खत्म करने के बाद ही तुम करण को बचा पाओगी। गो, जस्ट गो। करण बचाएगा तुम्हें। I don't believe in God, so I don't believe in ghosts. प्रेयर्स तभी काम करती हैं जब faith हो। Believe. please God, help me. Please help me. क्या हुआ? मुझे ये आवाज से सख्त नफरत है। सब क्या हो रहा है? समीर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसी ने माया का खून किया, उसने गोटी रूही शिवानी को भी मार दिया। And now he wants to kill me. हमने उसके शरीर को जला दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। There's something else जो उसे तुमसे जोड़ती है। करण, what is the thing? याद करो, समीर की कौन सी चीज है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं कि वो चीज क्या है। Hmm.
समीर को जो चीज मुझसे जोड़ती है वो ये निशान है जो मरते वक्त उसने मुझे दिया था, और इस निशान को मिटाने का एक ही तरीका है, मुझे अपने आप को मिटाना होगा। आना, मैं समीर को जीतने नहीं दूंगा। Are you okay, ma'am?